हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th केमिस्ट्री। लास्ट टर्म पे हमने एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके वो न्यूट्रलाइज करते हैं बेस के साथ एंड सोर इन टेस्ट। तो नेक्स्ट है हमारा बेस। व्हाट इज़ बेसिस? बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर हैव बिटर इन टेस्ट। बेस हमारे एसिड क्या होते हैं? जो सोर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं, और बेस जो है बिटर यानी कि कड़वे होते हैं टेस्ट में। तो दीज सब्सटेंसेस विच हैव बिटर इन टेस्ट। सेकेंड, ऑल द बेसिस चेंज द कलर। जितने भी बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू द ब्लू। नेक्स्ट इज इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर। अगर हम इसे वाटर में डिजॉल्व करें टू प्रोड्यूस इज हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन। इट इज़ द हाइड्रोक्साइड आयन इन सोल्यूशन। एसिड एच आयन प्रोड्यूस करते हैं जबकि बेसिस जो होते हैं वो OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं इन द वाटर। नेक्स्ट, इट इज़ केमिकल सब्सटेंसेज विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। ये केमिकल सब्सटेंस है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ऑल द मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिस। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड हैं लाइक Na2O, NaOH, CaO, दिस इज सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर ऑल द बेसिस। एंड ऑल्सो मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी क्या हैं? बेसिस हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, ये भी क्या हैं? बेसिस हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बेसिस। जैसे हमारे एसिड से टू टाइप्स के हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, वैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, वैसे बेस भी होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रॉन्ग बेसिस। अ बेस विच कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर, जो वो बेसिस या वो सब्सटेंस जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए वाटर में एंड दस प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अगर वो कम्प्लीटली आयोनाइज होंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन की जो अमाउंट होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो दिस इज़ कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एल्कली, दोनों एक ही चीज़ है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एल्कली। एल्कली मीन्स जो फर्स्ट हमारा जो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट वाला ब्लॉक होता है, दिस इज़ कॉल्ड द एल्कली। तो उसके जितने भी हाइड्रोक्साइड होंगे वो सारे बेस हैं, बेस होंगे। एग्जाम्पल NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वन इज़ वीक बेस। वीक बेस अ बेस विच पार्शियली आयोनाइज। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं, और वीक बेस पार्शियली आयोनाइज इन वाटर एंड दिस प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अब वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहे थे स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसलिए लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ कर रहे थे, जबकि वीक बेस जो होते हैं पार्शियली आयनाइज होते हैं, इसलिए ये स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द वीक बेस और वीक एल्कली। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इट इज़ बिटर इन टेस्ट, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं बेस। सेकंड, बेसिस फील लाइक अ सोपी। जब आप बेस को टच करेंगे तो ऐसा लगेगा फिसलता है यहाँ से, साबुन जैसा, तो इट इज़ फील लाइक सोपी टू टच। थर्ड, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। फोर्थ, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये आयनाइज फॉर्म में होते हैं, वाटर में इसे डिजॉल्व करने पर ये आयनाइज में ब्रेक हो जाते हैं आयन्स में, तो इसलिए इट इज़ द बेस्ट कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एसिड जो है कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वैसे बेसिस भी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सोल्यूशन। नेक्स्ट इज बेस रिएक्ट विद द सम मेटल। कुछ मेटल के साथ बेस रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं? H2 गैस। जैसे एसिड था वो भी मेटल के साथ रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज कर रहा था, वैसे बेस भी हैं। बेसिस या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द Zn जिंक मेटल टू फॉर्म द Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, इट इज़ द सॉल्ट, एंड टू फॉर्म द H2 गैस, रिलीज इज H2 गैस। सिक्स है, बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जैसे एसिड में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें क्या थी? एसिड जो है जब बेस के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, दिस इज़ द न्यूट्रलाइजेशन। सेम वहीं पे, यहाँ पे भी उसकी प्रॉपर्टीज हम ये लिख सकते हैं कि बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बनाते हैं। तो बेस 2NaOH प्लस H2SO4 एसिड, बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड टू रिएक्ट टू फॉर्म द सॉल्ट Na2SO4। ये जो इसके आयन्स होते हैं, ये Na इसमें पॉजिटिवली आयन होता है, SO4 नेगेटिवली आयन होता है, ये बाइंड होके सॉल्ट बनाते हैं Na2SO4 एंड वाटर। इसका जो H आयन है और इसका जो हाइड्रोक्साइड आयन है, इसका H आयन एसिड का और बेस का हाइड्रोक्साइड आयन कम्बाइंड होके वाटर
प्रोड्यूस करते हैं. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एसिड के हाइड्रोजन आयन है वो न्यूट्रलाइज होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ द बेस. ये देखिए यहाँ पे ये एसिड का हाइड्रोजन आयन है, ये बेस का हाइड्रोक्साइड आयन है, ये दोनों क्या करते हैं न्यूट्रलाइज होके वाटर फॉर्म करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसका सेवेंथ है बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड. नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बेस रिएक्ट करके टू सॉल्ट वाटर. ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही है. क्यों? क्योंकि जो बेस है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड बिहेव करता है एसिड की तरह, तभी वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है. तो COH का होल्डर दिस इज द बेस एंड CO2 दिस इज द मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड CO2. आपको पता है कार्बन जो है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है, और इसका ऑक्साइड नॉन मेटल इज एक्ट एज अ एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड वाटर मॉलिक्यूल. नेक्स्ट है यूजेज ऑफ बेसिस. बेस का क्या क्या यूज है, बहुत यूज होते हैं ये. फर्स्ट NaOH इज़ यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ सोप पेपर एंड अ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेयॉन. NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज इन द मैनुफैक्चर. सोप साबुन बनाने के लिए इसका यूज़ होता है, पेपर बनाने के लिए, एंड सिंथेटिक फाइबर जिसको हम रेयॉन बोलते हैं, रेयॉन में भी इसका मैनुफैक्चर करने के लिए इसका NaOH का यूज़ किया जाता है. सेकेंड है, नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ड वाइज इज़ यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर आप सबने देखा ही होगा, उसको मैनुफैक्चर उसको बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है. ठीक है, CaOH का होल्ड वाइज यूज़ करते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए. थर्ड वन इज़ द MgOH का होल्ड वाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. आपने सुना होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज एज एन एंटा एसिड. एंटा एसिड मतलब हम जब एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है हमारे स्टमक में तो हम उसको क्या देते हैं, एक एंटा एसिड देते हैं. और एंटा एसिड क्या होती हैं, जो एक बेस होती हैं जो कि हमारी पेट में एसिड जो हो जाता है HCl की एक्सेस हो जाती है पेट में, उसको न्यूट्रलाइज करता है. आपको पता है एसिड जब ज़्यादा हो जाए तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या देते हैं, बेस देते हैं. तो यहाँ पे जो MgOH का होल्ड वाइज है वो क्या है, बेस है. और जो हमें एसिडिटी हो जाती है तो इसकी टैबलेट्स आती हैं, तो इसको हम एंटा एसिड बोलते हैं, क्योंकि ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है. तो MgOH का होल्ड वाइज इज़ यूज एज एन एंटा एसिड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड इन द स्टमक एंड क्योर डाइजेशन. ये एक्सेस जो एसिड की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाती है हमारे स्टमक में, उसको न्यूट्रलाइज करता है और डाइजेशन को कंप्लीट करता है. नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट इसका यूज़ है फोर्थ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज एज वॉशिंग सोडा. जो धोने का सोडा होता है उस वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट है, हम उसको कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं. एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है सोडियम कार्बोनेट को. फिफ्थ वन इज़ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं. इट इज़ यूज इन द कुकिंग फूड. फूड को खाना पकाने के लिए छोले वगैरह में हम डालते हैं तो वो जल्दी पक जाते हैं, और बेकिंग पाउडर उसमें भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है.